अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है उज्जैन का, जिन्हें मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। दूसरा है ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट, मेहर, पन्ना, भोपाल, भोपाल के पास ही भोजपुर, और इसके अलावा कुछ अन्य धार्मिक स्थल। हम एक-एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी ही था, उज्जैनी था जो आज का उज्जैन है। इसे अवंतिका भी कहा जाता है या विक्रमादित्य की नगरी भी कहा जाता है। शिव के नाम के राजा की राजधानी अवंतिका का नया नामांकन उज्जैनी किया गया था। उज्जैन देश के प्राचीन नगरों में से एक है। भगवान महाकाल की इस नगरी को अतीत में उज्जैनी अवंती नामों से संबोधित किया जाता है। शिप्रा के किनारे महाकाल का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर है। इसमें ये क्वेश्चन भी अभी पटवारी की ही एग्जाम में पूछा गया था, महाकाल मंदिर का मुख किधर है? तो दक्षिण मुखी मंदिर है महाकाल, जहाँ सिंहस्थ का के मेले का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही जो महाकाल मंदिर है, महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों में गणना की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल भी है। इसके साथ ही साथ उज्जैनी में माँ हरसिद्धि का मंदिर है, जो प्राचीन तौर पर बना हुआ है और सिद्ध स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य और भी मंदिर है, जो कुछ पौराणिक है और कुछ नए मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं, जिनमें चारधाम मंदिर, इस्कान मंदिर, पौराणिक तौर पर गणेश मंदिर, ऐसे अनेक कई मंदिर यहाँ पर स्थित है। अगला हम बात करते हैं ओंकारेश्वर की। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भी है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर या अम्लेश्वर भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जिस पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहां ओम की आकृति दिखाई देती है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर रखा गया। धर्मग्रंथों के अनुसार यहाँ 68 तीर्थ स्थित है। यहाँ 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास करते हैं। साथ ही यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर महादेव का मंदिर, इसके साथ ही आदि शंकराचार्य की गुफाएं, जिन गुफाओं में प्रसिद्ध गुफाओं में जिनमें आदि शंकराचार्य के गुरु गुरु गोविंद राम जी जो थे, वो भी इन गुफाओं में ही ध्यानमस्त थे या समाधियां में लीन रहा करते थे, और बाद में उन गुफाओं का नाम शंकराचार्य की गुफाएं कहलाया। साथ ही सिद्धनाथ का मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर का मंदिर आदि दार्शनिक स्थान ओंकारेश्वर में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राकृतिक तौर पे कहे तो हम अवर्णनीय सुंदरता यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि नर्मदा की कलकल धारा, बहती हुई कलकल धारा, साथ ही साथ
यहाँ का स्वच्छ वातावरण अपने आप में अद्वितीय है। अगला है अमरकंटक। ये वही स्थान है जहाँ से माँ नर्मदा निकलती है। यहाँ स्थित कुल मंदिरों की संख्या 24 बताई गई है। नर्मदा माई के मंदिर के मंदिर में नर्मदा देवी का मंदिर, साथ ही माँ पार्वती का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। इसके पास में ही नर्मदा कुंड भी स्थापित है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित यह मंदिर एक अनोखा है। यहाँ से तीन नदियाँ नर्मदा, सोन, जोहिला निकलती है। कपिलधारा, दुग्धधारा, नर्मदा कुंड आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल है। यहाँ प्राचीन मंदिर है जिन्हें कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। अपने आप में सौहार्दपूर्ण मंदिरें और अद्वितीय मंदिरें हैं अमरकंटक में। महेश्वर की यदि बात करें तो महेश्वर में माँ भवानी का मंदिर, अहिल्येश्वर शिवालय, राजवाड़ा, बाणेश्वर बिठा जी की छत्री, राजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बालेश्वर, पंडरीनाथ, काशी विश्वनाथ, मांतंगेश्वर शिवालय मंदिर, भरथरी की गुफाएं आदि दार्शनिक स्थल यहाँ पर स्थित है। यानी एक जगह जाने पर हमें कहीं ना कहीं सभी तीर्थ स्थलों का लाभ यहाँ पर मिल जाता है। अगली हम यदि बात करें तो उनमें आता है चित्रकूट। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम खुद आए थे और उसी कारण दोहा बना चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वही स्थान है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। विंध्य पर्वतमाला के मध्य नैसर्गिक सौंदर्य लिए रमणीक पर्यटन स्थल चित्रकूट है। भगवान राम और सीता ने वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष व्यतीत यहीं चित्रकूट में किए थे। ऋषि अत्रि और सती अनुसुया ने तप किया था। ब्रह्मा विष्णु महेश की अवतार स्थली भी रहा है चित्रकूट। एक अनोखा ही दर्शनीय और रमणीक स्थल है चित्रकूट। अगला आता है मेहर की माता जी का मंदिर। सतना से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेहर में माँ शारदा के भव्य मंदिर के कारण साल भर तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन का लाभ लेते हैं। माँ की कई यहाँ पर चमत्कारिक परिणाम यहाँ के माँ के मिले हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र रहा है मेहर वाली माता का मंदिर। इसके साथ ही पन्ना जिले में भी भगवान प्राणनाथ का मंदिर है जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। इसके साथ मध्य प्रदेश भी पर्यटन क्षेत्र में बखूबी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोपाल खुद में एक बड़ा तालाब जो अपनी सुंदरता को फैलाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ भोपाल से ही लगा हुआ भोजपुर का मंदिर है जहां पर
भगवान शिव की स्थापना है। कहा जाता है इस मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। अन्य तीर्थों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैन तीर्थ भी आते हैं, जिनमें मुक्तागिरी जो बैतूल में है, सोनगिरी ये दतिया में है, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलवन दमोह में है, बावन गजा बड़वानी में है, पुष्पगिरी सोनगज में है। इस प्रकार प्रमुख दार्शनिक या धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के हैं। साथियों, यदि आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।